Now next C program again based on string conversion operation. Just previous program के केस मैंने string को integer में convert कराया था, ने corresponding integer number के square value display कराया था, लेकिन इस केस में just perform क्या कराना है, तो आपके पास supposed कोई भी integer number available है, वैसे integer को convert किस form में कराना है, into equivalent string और character array. Then how to perform that conversion we are providing by using that programs. Suppose that अगर आपके पास कोई भी integer number available है, like that, variable name as number with value as 254. Clear? Is current is value ka type kya hai? As a int or plus value ka iska 254. Lekin 254 currently kis format mein in the form of integer number. Just iska conversion perform karana into equivalent character array or string. Means integer to string conversion. To this particular case mein aapko perform kya karana? Sabse pehle required kya hoga? Character array. इस इस केस में directly operations में main function में provide कर रहा हूँ void main. source code के साथ साथ logics भी implement करेंगे. first one main function के अंदर required variables कितने हैं? integer variable number int number plus iterative variable required हुआ i. array के respect में use कर रहे हैं, array के indexes को manage कर रहे हैं using iterative variables i. प्लस इसके साथ साथ जब इस नंबर को आप एरे में स्टोर कराओ तो एरे में स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा? कैरेक्टर एरे डिक्लेरेशंस. एरे ए विद मैक्सिमम साइज एज 10. नेक्स्ट टाइम सेकंड केस क्या रहेगा? रीडिंग इनपुट्स. इनपुट्स किसके लिए रीड कराना? नंबर्स के लिए. इस केस में टोटल 3 वेरिएबल्स क्रिएट हुए, नंबर, इटरेटिव वेरिएबल आई एंड कैरेक्टर एरे ए. ए के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ए का इनिशियल वैल्यू क्या अभी जस्ट गार्बेज. साइज क्या इसका? 10. टोटल 10 बाइट्स क्रिएट करेंगे इस केस में, लेकिन सभी प्लेसेस पर अवेलेबल वैल्यूज क्या हैं? एज अ गार्बेज वैल्यू. एरे नेम एज ए. इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ? रीडिंग इनपुट्स. मीन सबसे पहले नंबर्स को स्कैन ऐप के थ्रू रीड कराओगे. नंबर रीड डाउन करने के बाद नंबर के डिजिट्स को 1 by 1 स्टोर किस फॉर्म में कराएंगे? इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एरे. तो सबसे पहले नेक्स्ट केस क्या है? फर्स्ट वन वेरिएबल डिक्लेरेशन, सेकंड वन रीडिंग इनपुट्स. इनपुट्स को रीड कराएंगे यूजिंग स्कैन ऐप. तो स्कैन ऐप से जस्ट पहले मैसेज डिस्प्ले करा रहा हूँ, एंटर नंबर विच यू वांट टू कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट कैरेक्टर एरे. नंबर्स को रीड करने के लिए यूज कर सकते हो एज स्कैन ऐप फंक्शन, परसेंट डी एड्रेस ऑफ नंबर. क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्या था? वेरिएबल डिक्लेरेशन. सेकेंड स्टेप रीडिंग इनपुट. सपोज दैट स्कैन ऐप के केस मैंने एंटर किया नंबर वैल्यू है 254. इस 254 इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? 3 डिजिट्स. लेकिन जब सेम डिजिट आप एरे में स्टोर कराओगे देन एरे के अंदर किस फॉर्म में स्टोर? इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स. तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट केस क्या रहेगा? 1 by 1 नंबर के सारे डिजिट्स रीड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में डिजिट रीड किया जाए 4, तो 4 करेंटली क्या है इस केस में? डिजिट. लेकिन इस डिजिट को रीड करने के बाद स्टोर किस में कराना है? एरे के अंदर. एरे के अंदर स्टोर कराने के लिए मीन करेंटली 4 क्या है? नंबर. कन्वर्ट किस में कराना है इसको? कैरेक्टर्स के फॉर्म में, क्योंकि कैरेक्टर एरे में एलिमेंट किस फॉर्म में स्टोर? कैरेक्टर्स के फॉर्म में. जस्ट प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कोई भी कैरेक्टर अवेलेबल है, सभी कैरेक्टर्स मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट किस फॉर्मेट होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ देयर ASCII वैल्यू, लाइक 0 1 2 3. अगर मैं राइट डाउन कर रहा हूँ ASCII वैल्यू ऑफ ऑल कैरेक्टर्स अप टू 9. फर्स्ट कैरेक्टर 0 का ASCII वैल्यू क्या है? 48, 49, 50, 51, 52, 53 एंड 57. दीज आर ASCII वैल्यूज इन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स. मीन्स अगर आपके पास कोई भी डिजिट कैरेक्टर अवेलेबल लाइक दैट यू आर हैविंग सम कैरेक्टर एज 5, अगर 5 को डिजिट्स में कन्वर्ट करना है, ऑपरेशन क्या अप्लाई किया? तो इसके इसमें 5 क्या है? कैरेक्टर. डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज क्या करेंगे? जस्ट सब्ट्रैक्शन बाई ASCII वैल्यू ऑफ 0. किसी भी डिजिट का ASCII वैल्यू 0 के ASCII वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कराओगे, 0 के इस केस में ASCII वैल्यू ऑफ 0. 5 का ASCII वैल्यू क्या है? डायग्राम में आप चेक कर सकते हो 53. 0 का ASCII वैल्यू क्या है? जस्ट 48. और इधर डिफरेंस इज 5. तो इस केस में जस्ट ये ऑपरेशन आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है? डिजिट एज 5. 5 क्या इस केस में? एज डिजिट. क्लियर? नेक्स्ट वन सेकेंड केस. सपोज दैट अगर मेरे पास अवेलेबल क्या है? 5 एज अ डिजिट. लेकिन इस 5 को कन्वर्ट से प्रीवियस केस में कैरेक्टर को कन्वर्ट किस फॉर्म में कराया था? डिजिट.
is the char to digit. Just a reverse conversion perform करना digit to character means 5 का digit इसको character में convert कराना है. Just किसी भी digit को अगर 0 के ASCII value से add कराओगे, in this case में आपको क्या मिलेगा character means 5 plus ASCII value of 0 is 48. 5 plus 48 is nothing but 53. तो 53 का ASCII value of just 5. Clear means it is equivalent to ASCII value of 5. इस टाइप से different different convergence perform करना possible है. क्यों इस केस में इस टाइप को required क्या है convergence, क्योंकि जबकि किसी जब भी किसी नंबर से डिजिट को ट्रंकेट करेंगे रीड करेंगे डिजिट्स को रीड करने के जस्ट बाद डिजिट को कन्वर्ट किसमें करोगे इनटू कैरेक्टर तो डिजिट्स को जस्ट ऐड किससे कराएंगे एवरी टाइम ASCII वैल्यू ऑफ 0 यानी कन्वर्ट किसमें हो जाए इक्विवेलेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्लियर दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म फर्स्ट केस इस केस में आपके पास नंबर ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे और नंबर्स के रिस्पेक्ट में आपको परफॉर्म क्या कराना है सबसे पहले रीड डाउन क्या करोगे 2 और 2 को स्टोर का कराएंगे 0 इंडेक्स में नेक्स्ट टाइम रीड क्या होगा 5 5 के इंडेक्स में साइन होगा 1 में नेक्स्ट टाइम रीड क्या होगा 4 4 के इसमें साइन होगा नेक्स्ट इंडेक्स में सारे डिजिट कॉपी होने के बाद लास्ट प्लेस पर इंसर्ट क्या कराओगे नल वैल्यू क्योंकि स्ट्रिंग को टर्मिनेट कैसे कराएंगे यूजिंग नल लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है नंबर्स के रिस्पेक्ट में मैंने आपको प्रीवियस प्रोग्राम्स में जितने भी लॉजिक्स डिस्कस किए थे नंबर्स के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन लास्ट डिजिट के लिए अप्लाई करना पॉसिबल नॉट फॉर डायरेक्टली फॉर बिगिनिंग डिजिट्स क्लियर तो इस केस में लास्ट डिजिट के केस में जस्ट एक्चुअल लॉजिक्स क्या होंगे 1 बाय 1 नंबर के केस में लास्ट डिजिट क्या है 4 तो 4 को अगर रीड करना जस्ट परफॉर्म क्या करा सकते हैं अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट रीड करना यूज क्या करेंगे मॉड्यूलो ऑपरेटर टोटल आपके पास 3 ऑपरेटर्स अवेलेबल है मॉड्यूलो डिवीजन मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का यहां आपके लिए कोई यूज नहीं है मैं ओनली हाईलाइट क्या कर रहा हूं 2 ऑपरेटर्स मॉड्यूलो डिवीजन जस्ट अगर लास्ट मींस दोनों ही ऑपरेटर्स के थ्रू लास्ट डिजिट के लिए ऑपरेशन से अप्लाई करना पॉसिबल अगर आपको लास्ट डिजिट का वैल्यू रीड करना है यूज क्या करेंगे मॉड्यूलो बाय 10 यूज क्या करोगे मॉड्यूलो बाय 10 सेम है अगर लास्ट डिजिट को रिमूव करना है तो यूज क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 10 इससे परफॉर्म क्या होगा रिमूव ऑपरेशन रिमूविंग लास्ट डिजिट और रीडिंग लास्ट डिजिट क्लियर अगर आपके पास नंबर अवेलेबल नंबर के केस में अगर नंबर का वैल्यू क्या है 254 254 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो इस केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा जस्ट 4 क्लियर देन 4 को कन्वर्ट किसमें कराना होगा डिजिट्स में सॉरी कैरेक्टर्स में तो इसमें जस्ट आप ऐड क्या करा सकते कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए ऐड क्या करा देंगे ASCII वैल्यू ऑफ 0 प्लस इसको असाइनिंग किस में कराएंगे एरे के अंदर तो एरे के अंदर आप असाइनिंग किस इंडेक्स में कराओगे 0 इंडेक्स लेकिन 0 इंडेक्स में आपने 4 असाइन करा दिया इसके इस प्लेस पर क्या असाइन हुआ 4 एज कैरेक्टर नेक्स्ट टाइम क्या असाइन हुआ समथिंग 5 नेक्स्ट टाइम 2 अब ये कैरेक्टर जस्ट इंसर्ट किस फॉर्म में रिवर्स ऑर्डर मींस पहले इसके साथ परफॉर्म क्या कराएंगे नंबर से आप राइट टू लेफ्ट टू सारे के सारे डिजिट्स को रीड करा के एरे में लेफ्ट टू राइट इंसर्ट कराओ लेफ्ट टू राइट इंसर्ट करने के बाद लेकिन दोनों के मीनिंग सेम है डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स क्योंकि एक्चुअल नंबर्स क्या था 254 स्टोर क्या हुआ 452 देन एक बार आपने नंबर स्ट्रिंग में और एरे में कन्वर्ट कर लिया देन परफॉर्म क्या कराओ स्ट्रिंग रिवर्स ऑपरेशन अगर इसे स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया जाए तो 4 के प्लेस पर क्या जाएगा कैरेक्टर 2 और 2 के प्लेस पर क्या जाएगा कैरेक्टर 4 5 के प्लेस पर क्या रहेगा 5 इन सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा इनपुट्स नंबर को सबसे पहले डिजिट्स में सॉरी कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करा के एरे में लेफ्ट टू राइट इंसर्ट कराना देन एक बार एरे कंप्लीटली फ्लो हो गया उसके बाद परफॉर्म करा जस्ट रिवर्स ऑपरेशंस इन लॉजिक्स को टेस्ट करते हैं फर्स्ट वन लूप के रिस्पेक्ट में बात करें एरे के अंदर एरे के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है 0 तो लूप के केस में आई का इनिशियलाइजेशन किससे कराएंगे 0 से लेकिन लूप कब तक चलेगा इस केस में इटरेशंस फिक्स्ड नहीं है डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डिजिट्स अगर नंबर के अंदर 3 डिजिट्स हैं लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ 3 टाइम्स 4 डिजिट है देन 4 टाइम्स मींस कब तक परफॉर्म कराना है एवरी टाइम जैसे फर्स्ट टाइम 4 को रीड करने का 4 डिलीट हो जाएगा 5 को रीड करने का 5 डिलीट हो जाएगा सेम एज 2 को रीड करने का 2 रिमूव हो जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा इस केस में 0 ये ऑपरेशन कब तक चलेगा जब तक नंबर का वैल्यू 0 से बड़ा मींस कंडीशंस को अभी मैं एम्प्टी छोड़ रहा रियल केस में कंडीशन क्या है नंबर ग्रेटर देन 0 देन एवरी टाइम परफॉर्म क्या होगा इस केस में आई के केस में फर्स्ट टाइम आई 0 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करे नेक्स्ट टाइम 1 नेक्स्ट टाइम एंड सो ऑन परफॉर्म क्या हुआ इस केस में आई प्लस 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 नंबर मींस आई जस्ट लेफ्ट टू राइट ग्रो करेगा और नंबर के रिस्पेक्ट में एवरी टाइम आपको परफॉर्म क्या कराना लास्ट डिजिट को डिलीट कराना तो लास्ट डिजिट को डिलीट करने के लिए ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करेंगे इस केस में जस्ट बाद में राइट डाउन करो नीचे और इस प्लेस पर राइट डाउन करना पॉसिबल है नेक्स्ट फर्स्ट थिंग्स आई का करंट वैल्यू क्या है 0 क्लियर 0 के रिस्पेक्ट में इस नंबर का करंट वैल्यू क्या है 254 254 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू है देन परफॉर्म क्या कराना है
लास्ट डिजिट को रीड करना। तो लास्ट डिजिट किसमें स्टोर है, नंबर में, और नंबर का लास्ट डिजिट रीड करने के बाद आसानी किसमें कराएं, ए जीरो में, और ए जीरो के इसमें इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए ऑफ आई इक्वल्स टू लास्ट डिजिट को रिट्री करने के लिए यूज क्या करेंगे, नंबर मॉड्यूलो बाई 10। लेकिन इस केस में नंबर या डिजिट किस फॉर्मेट में आएगा, इंटीजर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किस में कराना है, कैरेक्टर्स में, क्योंकि एरे में डेटा किस फॉर्म में स्टोर, कैरेक्टर्स के फॉर्म में, कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट इसको ऐड कराएंगे आस्की वैल्यू ऑफ जीरो प्लस लास्ट डिजिट रीड कर चुके हो, लास्ट डिजिट को डिलीट करना नहीं जरूरत होगी, लास्ट डिजिट को रिमूव करने के लिए यूज क्या करोगे, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई 10, क्लियर, देन क्लोज दिस फॉर लूप, चेक इट। पहले इस लूप का मैं एग्जीक्यूशन कंप्लीट करूँ, इस लूप के थ्रू जस्ट परफॉर्म क्या हो रहा है, नंबर्स के सारे डिजिट राइट टू लेफ्ट रीड होकर लेफ्ट टू राइट एरे के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। देन पहले इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट रिमेनिंग लॉजिक्स कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वन, नंबर का करंटली आई का वैल्यू क्या है, जीरो, देन ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो में आसानी क्या होगा, नंबर, नंबर डिवाइड बाई 10, 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, जस्ट 4 प्लस आस्क वैल्यू ऑफ जीरो 48 प्लस 4 इज 52, और चेक कर सकते हो 52 रियल केस में आस्की वैल्यू किसका है, 52 या आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर 4, आपको 4 के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड भी क्या था, कैरेक्टर 4। फाइनली इस केस में आसान क्या हो जाएगा, 4 एज ए कैरेक्टर, हम इसे आसान किस प्लेस पर होगा, जीरो इंडेक्स में, क्लियर, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन। देन इसके जस्ट बाद अब लास्ट डेट को आप रीड कर चुके हो, लास्ट डेट की फर्दर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसको रिमूव कराएंगे। देन नेक्स्ट टाइम लास्ट डेट क्या बन जाएगा, 5, क्लियर। तो नंबर का वैल्यू क्या है, 254 डिवाइडेड बाई 10, इसके इसमें इंटीजर डिवीजन क्या आएगा, रियल केस में डिवीजन क्या आएगा, 25.4, दोनों ही ऑपरेंड इंटीजर टाइप के, इंटीजर डिवीजन क्या आएगा, ओनली 25 अगेन किसमें आसान हो जाएगा, नंबर में, तो नेक्स्ट टाइम नंबर की वैल्यू क्या है, 25, क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन परफॉर्म क्या हुआ, आई प्लस प्लस, तो आई के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट 1, अगेन नंबर, नंबर के केस में वैल्यू क्या है, 25 ग्रेटर देन 0, अगेन कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू तो फिर से सेम ऑपरेशन, ए ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है, 1, तो जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट किस इंडेक्स में आसान हुआ, एरे के अंदर 1 इंडेक्स में, नंबर का वैल्यू क्या करंटली, नंबर इज 25 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो इसके साथ रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज लास्ट डिजिट, किसी भी इंटीजर को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलता है, ऑलवेज लास्ट डिजिट, और करंटली लास्ट डिजिट क्या है इसके इसमें, 5, तो स्पेस पर जस्ट क्या जाएगा, 5, और 5 को 5 क्या डिजिट, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसको ऐड कराया आस्की वैल्यू ऑफ 0, 48 प्लस 5 इज 53, और 5 का आस्की वैल्यू भी क्या है, ऑल्सो 53, क्लियर, मीन्स ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, इटसेल्फ कैरेक्टर 5, आसानी किस में जाएगा, ए ऑफ 1 में, इस प्लेस पर क्या समझ जाए, कैरेक्टर 5। नेक्स्ट टाइम अगेन 5 भी रीड कर चुके, 5 को भी रिमूव कराएं यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन, 25 को 10 से डिवाइड करोगे तो इसके इसमें डिवीजन क्या आएगा, 2.5, लेकिन दोनों ही ऑपरेंड इंटीजर हैं, इंटीजर पार्ट क्या, 2, तो 2 किस में आसान हो जाएगा, नंबर में, नंबर बिकम्स 2, नंबर का वैल्यू क्या है इसके इसमें, जस्ट 2, अगेन कंट्रोल कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम जस्ट 2, नेक्स्ट टाइम अगेन नंबर का वैल्यू क्या है, 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन स्टिल इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है, देन नंबर मॉड्यूल बाई 10, 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो इसके इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, ऑल्सो 2, रिमाइंडर क्या मिलेगा, ओनली 2, प्लस इसको मीन्स डिजिट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए एड कैसे करा, आस्की वैल्यू ऑफ 0, 0 का आस्की वैल्यू क्या है, 48 प्लस 2 इज 50, और 50 किसका आस्की वैल्यू, 50 इज आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर 2, चेक इट, 50 क्या है, 50 इज आस्की वैल्यू ऑफ 2, तो नेक्स्ट टाइम इससे रिप्रेजेंट क्या हुआ, कैरेक्टर 2, और एक कैरेक्टर 2 का आस्की वैल्यू आसानी किस में जाएगा, ए ऑफ आई में आई की वैल्यू क्या है, 2, सेकेंड इंडेक्स में क्या आसान हो जाएगा, कैरेक्टर एज 2, क्लियर। नेक्स्ट टाइम एन नंबर का वैल्यू क्या है, 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो उसका डिवीजन क्या आएगा, 0.2, लेकिन दोनों ही ऑपरेंड इंटीजर है, इंटीजर पार्ट क्या ओनली 0, तो 0 किस में आसान होगा, वेरिएबल नंबर, तो नंबर का लास्ट फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, जैसे ही नंबर का वैल्यू 0 हुआ परफॉर्म क्या हुआ, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट 3, आई नेक्स्ट प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्टिंग, नंबर का वैल्यू क्या, 0, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन कम फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो चुका है तो इस केस में कंट्रोल में आएगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, तो चेक करो इस केस में
इस नंबर के, नंबर का ओरिजिनल वैल्यू क्या था 254, क्लियर। इस नंबर के ओरिजिनल सारे के सारे डिजिट्स कॉपी किस में हो चुका है ये मैं, लेकिन कॉपी किस फॉर्मेट में, जस्ट रिवर्स ऑर्डर। वन मोर थिंग, स्ट्रिंग के अंदर कंटेंट तो आसान हो चुका है, लेकिन स्ट्रिंग को अभी नल से टर्मिनेट किया क्या नहीं, सारे डिजिट कॉपी होने के बाद स्ट्रिंग को टर्मिनेट किससे कराऊ, नल कैरेक्टर, और नल कैरेक्टर जिस प्लेस पर स्टोर कराना है उसका उसका इंडेक्स किसके पास है, आई के पास, आई के वैल्यू क्या है 3, तो थर्ड इंडेक्स में जस्ट लूप के बाद ऐसी बार लूप से बाहर कंट्रोल आएगा, देन ए ऑफ आई में आसान क्या करा दें कैरेक्टर नल, चेक इट, आई का वैल्यू क्या है 3, तो ये नल किस इंडेक्स में आसान होगा, थर्ड इंडेक्स में, लास्ट इंडेक्स में क्या आसान हो जाएगा, जस्ट नल। नल असाइन होने के जस्ट बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, अभी भी आपके पास एक्सपेक्टेड आउटपुट अवेलेबल नहीं है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था रियल केस में, कैरेक्टर एरे के अंदर 254 जबकि स्टोर क्या है 452, तो नेक्स्ट केस में जस्ट रिक्वायर्ड क्या है, स्ट्रिंग रिवर्स ऑपरेशन। तो स्ट्रिंग रिवर्स ऑपरेशन में आप प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर सकते हैं strrev, अदरवाइज आपको खुद से रिवर्स कराना, तो उस केस में टू वेरिएबल्स क्रिएट करोगे आई एंड जे, और आई और जे को, आई को फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स से सेट कराएं, जे को लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स से सेट कराएं, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स किसके पास है आई के पास, आई का वैल्यू क्या 3, अगर 3 में माइनस 1 कर दिया जाए तो क्या जाएगा, जस्ट प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स। इस टाइप से टू वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद देन एवरी टाइम आई और जे इंडेक्स में आप स्वैपिंग परफॉर्म कराते हैं, रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल, जो कि मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी अगर आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज करना चाहते हो तो लाइब्रेरी फंक्शन डायरेक्टली यूज कर सकते हो स्पेस पर आ जाए strrev, जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो इसके कंटेंट रिवर्स हो जाएंगे, क्या जाए 254। अगर आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज करने में इंटरेस्टेड नहीं था ना, आप खुद के लॉजिक्स प्रोवाइड कर सकते हो, तो उस केस में एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा जे, तो इस पर्टिकुलर केस में प्लस स्वैपिंग परफॉर्म कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, टेम्परेरी वेरिएबल एस टी, लेकिन स्वैपिंग किस में हुआ कैरेक्टर्स में, इसलिए स्वैपिंग की केस में टेम्परेरी वेरिएबल टी का टाइप क्या लेंगे एज अ कैरेक्टर टाइप, क्लियर, टी का टाइप के कैरेक्टर फॉर लूप। देन अगेन सबसे पहले परफॉर्म क्या कराएंगे, मीन्स आई को फिर से कहाँ रिसेट कर दोगे 0 से, आप चाहो तो ऑलरेडी आई को कहाँ सेट, मीन्स आई को लास्ट से सेट कर देता हूँ, आई कहाँ सेट हो जाए लास्ट प्लेस पर, और जे किसको रिप्रेजेंट करा, जे से रिप्रेजेंट कराएंगे एज अ फर्स्ट एलिमेंट, तो जे में क्या आसान करा देंगे इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस आई के केस में जस्ट आई माइनस माइनस, तो आई का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या 3, न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा एच 2 प्लस वन मोर वैल्यू क्या क्रिएट हुआ जाए जे, और जे में मैंने क्या आसान करा 0, मीन्स जे बिगिनिंग एलिमेंट को रेफर करा और आई लास्ट एलिमेंट, अभी तो 3 डिजिट थे इसके अंदर, एनी नंबर ऑफ डिजिट और सारे के सारे केस रिवर्स हो जाए, प्लस लूप कब तक चलाएंगे जब तक जे का वैल्यू आई से छोटा है, जे लेफ्ट टू राइट ग्रो कर रहा है, आई राइट टू लेफ्ट ग्रो कर रहा है, इसलिए जे के रिस्पेक्ट में क्या होगा जे प्लस प्लस, आई के रिस्पेक्ट में आई माइनस माइनस, जस्ट इस लॉजिक से परफॉर्म किया होगा स्वैपिंग ऑपरेशन, स्वैपिंग के रिस्पेक्ट में जस्ट परफॉर्म क्या कराएं टी टेम्परेरी वैल्यू इक्वल्स टू ए ऑफ आई एंड कॉमा ए ऑफ आई में क्या आसान करा सकते हो ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे एंड कॉमा ए ऑफ जे में क्या आसान हो जाएगा जस्ट टी, देन क्लोजिंग दिस फॉर लूप, मीन्स आपको यहाँ कैलिब्रेशन नहीं है, डायरेक्टली टर्मिनेट किस हुआ फर्स्ट टाइम कॉलम, फर्स्ट टाइम जे का वैल्यू क्या है 0 और आई का वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में जाएगा जेथ इंडेक्स में, और जेथ इंडेक्स में क्या था जस्ट 4, ये कॉपी क्या हो जाएगा सेकेंड इंडेक्स में, क्लियर। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस, सॉरी जे प्लस प्लस, जे बिकम्स 1, आई माइनस माइनस, आई बिकम्स 1, देन कंडीशन चेक हो 1 लेस देन कंडीशन कम फॉल्स, फॉल्स होने से पहले कंटेंट्स कंप्लीटली रिवर्स हो चुके हैं, कंट्रोल जब बाहर आएगा देन इसके जस्ट बाद आप डिस्प्ले क्या करा सकते हो रिवर्स्ड कंटेंट्स, रिवर्स्ड कंटेंट्स अवेलेबल किस में जस्ट एरे और स्ट्रिंग, कन्वर्टेड स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या करें परसेंट एस और स्ट्रिंग स्टोर किस में ए में, तो ये क्या है इसके इसमें आउटपुट वेरिएबल, फाइनली क्लोजिंग मेन फंक्शन। इस लॉजिक के थ्रू किसी भी टाइप के इंटीजर नंबर को इक्विवेलेंट कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पॉसिबल है।